खरगोन शहर के बीटीआई के पीछे स्थित सरकारी जर्जर भवन में रखी पुस्तकें आग की चपेट में आने से जलकर खाक हो गई। बताया गया है कि असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फायर फाइटर की मदद से आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि लगाई गई इस आग ने 80% पुस्तकों को जलाकर खाक कर दिया है। इस दौरान बीआरसी मुरली मनोहर ने बताया कि कोरोना काल के चलते स्कूल बंद रहने के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहां लगा रहता है और उन्हीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। यहां पर आए दिन असामाजिक तत्व बच्चे वगैरह यहां क्रिकेट भी खेलते रहते हैं और सिगरेट वगैरह पीते रहते हैं। कई बार हमारे द्वारा उनको डांटा भी गया, भगाया भी गया, स्कूल के प्रधान पाठक द्वारा भी उनको कहा गया। लेकिन क्या अभी कोरोना काल में जो स्कूलें अभी लॉकडाउन होने के कारण सब बंद है और वो समय समय पर जैसे हम लोग आते हैं और यहाँ हमारे चौकीदार भी रहते हैं, वो चौकीदार भी बार बार क्योंकि पूरी ग्राउंड बहुत बड़ा है तो चौकीदार भी इतनी वो अलग अलग प्रकार से जब राउंड लगाते हैं तो उनके जब देखने में आता है तो वो बच्चों को भगाते हैं। तो हो सकता है कि उनके उनके द्वारा जो प्रतिशोध प्रतिभावना जो हुई है उसके कारण उन्होंने लगा दिया, या बड़ी सिगरेट पीने के कारण भी लग चुकी हो। अब इसका तो हम कह नहीं सकते। कितनी बुकें थी? ज़्यादा तो नहीं थी, ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है, 10 साल पुराना रिकॉर्ड है। क्योंकि अब इसकी समिति वगैरह भी जिला कार्यालय से मार्गदर्शन के अनुसार बना के उसको करना था पूरा जल चुका है। हाँ 80% पूरा जल, 80% तो जल गया है बहुत। और चूँकि बिल्डिंग बहुत पुराना है और चूँकि हमारा ऑफिस भी केवल मात्र एक कमरे का ऑफिस है। कौन से स्कूल की बुकें थी? ये तो शासकीय बुकें थी जो अपन पूरे विकासखंड को पूरे जिले को जो वितरित की जाती है, कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकें थी। क्या सुन रहा हूँ आप? मुरलीधर महाजन, बीआरसी खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।